आज अपने सामान्य विज्ञान पढ़ेंगे। सामान्य विज्ञान का जो टॉपिक है आरपीएससी की जो अभी पीएसआई की जो एग्ज़ाम होने वाली है उसमें रीट लेवल सेकंड जो साइंस से दे रहे हैं उनके लिए और पटवार एग्ज़ाम और यूपीएससी तक के जो एग्ज़ाम्स हैं उनके हिसाब से मैंने कवर करने का प्रयास किया है। मैं आपको थोड़ा बता दूं, सामान्य विज्ञान के बारे में अपने पढ़ेंगे। मैं KR सिहाग असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज भादरा और मेरा बायोलॉजी में भी पीजी था और पॉलिटिकल साइंस में भी पीजी था। आज अपने सामान्य विज्ञान के बारे में बात करेंगे। तो सामान्य विज्ञान यानी सामान्य चीज़ जनरल साइंस में से केवल एक विज्ञान के बारे में अगर देखें तो विज्ञान को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो नेचुरल साइंस होती है जिसको अपने प्राकृतिक विज्ञान कहते हैं और दूसरी अपनी सोशल साइंस होती है यानी सामाजिक विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान और सोशल साइंस है इसमें जो मेजर डिफरेंस है वो है इनके अटल नियमों का। अटल नियमों का पालन करने वाली विज्ञानों को हम प्राकृतिक विज्ञानों की श्रेणी में रखते हैं और उसको उनका जो वर्गीकरण है अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से तीन भागों में किया गया है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। जहां भी जनरल साइंस का नाम आता है इट मीन सामान्य या सामान्य विज्ञान के या विज्ञान के आधारभूत तत्व तो शब्द दिखता है तो इसका अर्थ है हमें फिजिक्स पढ़नी है, केमिस्ट्री पढ़नी है और बायोलॉजी पढ़नी है। फिजिक्स है वो ग्रीक भाषा के फिजिक्स से लिया गया है। फिजिक का मतलब होता है नेचर, नेचर का मतलब होता है कि प्रकृति यानी प्रकृति के जो अटल नियम होते हैं उनका अध्ययन हम विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं वो कहलाती है हमारी फिजिक्स। केमिस्ट्री केमिया यानी यहाँ जो मिस्र में केमिया, केमिया शब्द का मतलब होता है ब्लैक कलर यानी काले रंग के पदार्थ, सबसे पहले जिनका अध्ययन किया गया केमिस्ट्री यानी रसायनों का उसको हम विज्ञान की जिस शाखा में पढ़ेंगे वो होगी हमारी केमिस्ट्री। अब लौट के आते हैं बायोलॉजी पे। तो बायोलॉजी बायोज प्लस लॉक्स यानी बायोज ये ग्रीक भाषा का शब्द है। बायोज का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी जीवित जीव और लॉक्स का मतलब होता है टू स्टडी यानी अध्ययन करना यानी विज्ञान की वो शाखा जिसमें हम जीवित जीवों का अध्ययन करते हैं बायोलॉजी कहलाती है। सुविधा की दृष्टि से बायोलॉजी को फिर दो भागों में बांटा गया है। RS 2016 में एक प्रश्न आया था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनिमल्स यानी जीव और जंतु में क्या अंतर होता है उसको यहाँ हम देखते हैं। बायोलॉजी की दो शाखाएं हैं, एक बॉटनी जिसमें हम पादप को पढ़ते हैं और एक जूलॉजी, जू मतलब जंतु, लॉजी मतलब स्टडी। यानी बॉटनी के अंदर हम पादप वर्ग का अध्ययन करते हैं, वेजिटेशन का अध्ययन करते हैं और जूलॉजी में हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं। बॉटनी का जो पिता है, जनक है, इसका अध्ययन जो शुरुआत की वो थियोफ्रेस्ट। आपको याद नहीं रहेगा कि किसका जनक कौन है, थोड़ा सा यहाँ आपको एक सब्जेक्ट यहाँ वर्ड पकड़ना है फ्रेस्ट यानी फॉरेस्ट पढ़ना है इसको। फॉरेस्ट, फॉरेस्ट का मतलब जंगल, जंगल का मतलब होता है वनस्पति यानी वनस्पति का जो पिता है वो है थियोफॉरेस्ट। याद रह जाएगा, कभी नहीं भूलोगे, ऑप्शन से टिक कर दोगे इसको थियोफॉरेस्ट। फॉरेस्ट शब्द पे आपको थोड़ा सा प्रेस करना है, फॉरेस्ट मतलब जंगल, जंगल मतलब वनस्पति, थियोफॉरेस्ट यानी वनस्पति का पिता कौन है थियोफॉरेस्ट। जू, जू का मतलब होता है जंतु, जूलॉजी। इनके जो जनक है वो हमारे एरिस्टोटल अरस्तु है, राजनीति विज्ञान के भी पिता है अरस्तु, बायोलॉजी के भी पिता है और जंतु विज्ञान के भी पिता है। तीन जो ये शाखाएं हैं उनके पिता है अरस्तु। अब जो जंतु हैं उनको हम सुविधा की दृष्टि से उनका नामकरण करते हैं। जैसे हम घर, घर होता है, घर में हम सब मतलब जो व्यक्ति होते हैं या और होते हैं तो सबको अपने अलग अलग पहचान के लिए नाम देते हैं। भी किसी को बुलाना है तो उसको नाम बुलाएंगे, जैसे राहुल है या सुमन है, सुशीला है, तो नाम देते हैं। इसीलिए जीवों का नाम देने के लिए द्विनाम पद्धति यानी नामकरण पद्धति की शुरुआत थी और सबसे पहले द्विनाम पद्धति की जो खोज है वो कैलोलस लिनियस ने की। और लिनियस ने ये बताया कि किसी भी जीव का अगर आपको नाम रखना है तो उसमें दो चीजों का प्रयोग करें, एक तो प्रयोग करें उसमें वंश का और दूसरा प्रयोग करें उसमें जाति का, ठीक है ना। जैसे मानव का नाम है होमो सेपियंस, तो होमो उसका वंश है, सेपियंस उसकी जाति है। फिर उस कैलोलस लिनियस ने ही वर्गीकरण की शुरुआत भी कर दी, जीवों को वर्गों में बांटा और दो जगतों, जीवों को दो जगतों में बांटा, द्विजगत वर्गीकरण। इसीलिए इसको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, वर्गीकी का पिता भी कहते हैं। दो जगत कौन से थे, पादप जगत और जंतु जगत। इसके बाद खूब सारे वर्गीकरण होते रहे। अपने जनरल साइंस के हिसाब से बहुत गहराई में नहीं जाना है, जनरल साइंस के वर्गीकरण में पढ़ें तो सबसे इंपॉर्टेंट वर्गीकरण जो आप पढ़ते हैं वह है RH विटकर। RH विटकर थे, उन्होंने इन दो जगत को आगे बढ़ा करके कितने जगतों में बांट दिया, पांच जगत में। तो कई बार प्रश्न आता है पांच जगत वर्गीकरण किसने दिया, तो RH विटकर। विटकर आपको याद नहीं रहेगा, इसमें से आपको याद रखने के लिए इस W को पकड़ो, विटकर, वहां शब्द दिख जाएगा आपको। अरे इंगे देखो टांग ऊंची हो रही है ना, ऊंची टांग जद वे जद उल्टा काम करा और उल्टा काम करता है पांच आदमी आगे पंचायती करे, यानी पांच जगत वर्गीकरण है वो दियो विटकर। तो याद रहिए, पांच जगत कौन सा है, अंगज का लक्षण है,
मैं आपा देखा तो सबसे पहला अगर एक बार देख लेते हैं पांच जगत कौन से थे, तो मोनेरा था, प्रोटिस्टा था, फंजाई था, प्लांटी था और एनिमिलिया था। अब इनके अपने को करेक्टर्स याद करने हैं, एग्जाम्पल्स याद करने हैं, क्योंकि जो आप आरपीसी के एग्जाम दे रहे हैं, पीएसआई के एग्जाम दे रहे हैं, उनमें यहाँ से प्रश्न आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं, प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। मोनेरा वर्ग है, उसमें अपने देखेंगे कि अपने एक कोशिके जीव आते हैं, एक कोशिके भी जो कोशिका के आधार पर जीवों की बात करें तो जीवों को दो भाग होते हैं, कोशिका के आधार पर जीवों को दो भागों में बांटा जा सकता है। एक तो वे जीव जो एक ही कोशिका से मिलकर बने होते हैं, एक कोशिके, और एक जिनमें मोर देन वन सेल होती है, बहुकोशिके, जैसे हम सब जो एग्जाम्पल देखते हैं वो अधिकांश बहुकोशिकीय जीवों के हैं। कोशिका की संरचना के आधार पर भी हम दो भागों में जीवों को बांट सकते हैं, एक प्रोकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक। तो प्रोटिस्ट मोनेरा के अंदर हमारे सारे जीव कैसे होंगे, एक कोशिके, लेकिन उसकी कोशिका का प्रकार कैसा होगा, प्रोकैरियोटिक। अब यहां देखो प्रोकैरियोटिक में, एक तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक क्या डिफरेंस है, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव अध्यय, यानी कैरियोटिक शब्द तो दोनों में एक जैसा है, तो कैरियोटिक का मतलब होता है कैरियन शब्द है वो लैटिन भाषा के, या सॉरी ग्रीक भाषा इससे लिया गया है, कैरियन शब्द का मतलब होता है न्यूक्लियस, केंद्र। तो यहाँ केंद्रक के आधार पर कोशिकाओं को दो भागों में बांटा गया है, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक, जिसमें केंद्रक बना नहीं है, वास्तविक केंद्रक नहीं है, वो है प्रोकैरियोटिक, प्रिमिटिव न्यूक्लियस उसको कहेंगे प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सारे जितने जीव हैं वो हमेशा और हमेशा एक कोशिके होंगे, और उसको आप कहाँ रखोगे, मोनेरा में रखोगे, ठीक है। इसके एग्जांपल हम देखें तो नीले हरे सेवाल, जीवाणु और माइकोप्लाज्मा, ये तीन ही हैं। नीले हरे सेवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी, बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा, तीनों की अलग अलग खास बात है, अभी अपने इसमें डिटेल से पढ़ेंगे आगे। प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा है उसमें सारे जीव तो एक कोशिके ही होंगे, लेकिन उनकी कोशिका का प्रकार कैसा होगा, यूकैरियोटिक। यहाँ से प्रश्न आ सकता है, एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव किस जगत में आते हैं, तो वो आते हैं प्रोटिस्टा में। इसमें सबसे अधिकांश प्रोटोजोआ, जितने भी अपने प्रोटोजोआ पढ़ते हैं, अमीबा, पैरामीशियम, ये ट्रिपनसोमा, जैसे आप पढ़ते हैं पैरामीशियम, अमीबा, ट्रिपनसोमा, ये जो अफ्रीकी निंद्रा रोग होता है उसमें है, सेंस सीसीफ्लाई जिसकी वाहक होती है, प्रोटोजोआ इसमें आते हैं। युगलिना, पादप और जंतु जगत की कड़ी होती है, डाइटम्स जो समुद्र में जिसमें मृत्यु डूबने से भी है उसकी पहचान इसी से होती है, सारे एक कोशिकीय शैवाल हैं, क्लेमिडियम, रास वगैरह, वो भी इसी में आते हैं। फंजाई, यहाँ बहुकोशिकीय जीवों को रखा गया है, जैसे कवक है, ये अपना पोषण कहाँ से लेते हैं, यानी इसके आधार पर जिसको मृतोपोषी कहते हैं, एक इसका अपवाद है ईस्ट, जो एक कोशिकीय होते हुए भी फंजाई में रखा गया है, बाकी सारे जीव इसमें कैसे होंगे, बहुकोशिकीय। प्लांटी, प्लांटी यानी पादप जगत को फिर अपने यहाँ पांच भागों में बांटेंगे, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ठीक है। थैलोफाइटा में कौन से जीव, थैलस, थैलस का मतलब होता है एक थैले जैसी संरचना, यानी जिसमें ना जड़ है, ना तना है, ना पत्ती है, ऐसे पादप जिसमें जड़ तना पत्ती का भाव होता है, प्रश्न पूछ लेता है, अपन देखो ना कोई पादप अभी जड़ तो वही हुए, तनु तो वही हुए, पत्ती तो वही हुए, अरे यहाँ को नहीं हुए, ऐसे भी पादप हैं जिसमें जड़ तना पत्ती लीफ नहीं होती, ऐसे पादप को किस वर्ग में रखा गया है, थैलोफाइटा, यूपीएससी 2008 में यह प्रश्न आया था, ठीक है। इस थैलोफाइटा में हम सेवालों को रखते हैं, ठीक है। ब्रायोफाइटा, ब्रायो, ब्रायो का मतलब होता है मतलब बोथ, यानी दो जगह, फाइटा शब्द जहां भी लिखा आपको मिल जाए, फाइटामिन होता है प्लांट, यानी फाइटा शब्द जैसे फाइटा, 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 फाइटामिन होता है प्लांट और सप्रम मीन होता है बीज, ठीक है। तो फाइटा शब्द का मतलब होता है प्लांट, तो थैलोफाइटा में कौन से प्लांट होंगे जिसमें जड़ तना पत्ती नहीं होता है, जैसे सेवाल। ब्रायो, ब्रायो का मतलब होता है एम्फीबियन, यानी दो जगह रहने वाला, जो जल में भी रहता है, स्थल पर भी रहता है, ये प्रश्न बहुत बार पूछता है। पादप जगत का उभयचर किसे कहते हैं, ब्रायोफाइटा को। ब्रायोफाइटा में ये प्लांट आपने कभी देखे नहीं है, रिक्सिया, मार्गेंसिया, इनको रखा गया है। टेरिडो, टेरिड, टेरिड शब्द लिया गया है, टेरिड, टेरिड शब्द का ट्रिकिड से लिया है, ट्रिकिड का मतलब होता है वाहिनिका या वाहिका, यानी जिसमें जल का सेवन करने के लिए वाहिकाएं होती हैं, यानी सेवन उत्तक, इन दोनों में सेवन उत्तक नहीं होते, ये इनमें सेवन उत्तक होता है, इसमें फ्रंट मोस ये जो आते हैं वो इसमें आते हैं। जिम्नो, जिम्नो, जिम्नो शब्द का मतलब होता है नेक, यानी नगन, इसमें ये जो जिम्नोस्पर्म होते हैं इनको नगन बीजी पादप भी कहते हैं। कई बार प्रश्न आता है ऐसे कौन से पादप हैं जिनमें बीज तो बनते हैं लेकिन फल नहीं बनते, अरे सीधा ही पेड़ के ऊपर, या मतलब इसे देख डे था जहाँ पेड़ हुए एरिंग ऊपर सीधा बीज लाग रहे, अपन जो लगभग जगह फल देखा वहाँ अंदर बीज हुए है ना, ऐसे जिम्नोस्पर्म है जगह हम सीधा बीज लगे, यानी फल गोर बने, जैसे साइकस और पाइनस। ए जगह तीन वर्ग हैं, अन ए पुष्पी पादप का, क्रिप्टोगैम्स भी काम, आम तो पुष्पी कौन बने, क्रिप्टोगैम्स का, ठीक है। अब एंजियोस्पर्म, जो जितने भी आप पादप देखते हैं आसपास अपने, उन सब को हम कहाँ रखते हैं, जिम्नोस्पर्म में। जिम्नोस्पर्म को हम दो भागों में बांटते हैं, द्विबीजपत्री, एक बीजपत्री, बाकी इनके बारे में डिटेल से अपने कल पढ़ेंगे।